Hi friends, what's up? So welcome to the study hub for the competitive exam. So here I am discussing about the UPSC CDS 2019 first notification. तो यहाँ पे मैं UPSC Combined Defence Services की जो first notification है उसी के बारे में discuss करने जा रहा हूँ. तो उसकी notification है जो release हो चुकी है, तो आप apply कर सकते हैं, जिसका link भी मैंने description में दे रखा है. सो अगर यहाँ पे अगर और भी डिस्कस करें तो यहाँ पे UPSC की वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ रही होगी. तो इसमें इस बार कितनी पोस्ट हैं, कैसे कैसे, मतलब जिन फ्रेंड्स को ना पता हो वो क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं, और क्या क्या डेट यहाँ पे कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 26 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म जो आप 26 नवंबर तक हैं फिल कर सकते हो, और उसके बाद 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक किसी बंदे को फॉर्म अपना कैंसिल करना है तो वो कैंसिल कर सकता है, पर जो फी है उसमें रिफंड नहीं हो रही होगी. और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पोस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून है उसमें यहाँ पे 100 पोस्ट इस बार रिलीज हुई हैं. उसमें देखा जाए कि जैसे कि NCC के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसीज हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इंडियन नेवल अकेडमी के लिए 45 पोस्ट हैं, और 32 पोस्ट एयरफोर्स अकेडमी के लिए हैं, जिसमें NCC के लिए देखा जाए तो 3 पोस्ट हैं. और इसके अलावा यहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मद्रास की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 225 पोस्ट हैं, मैक्सिमम पोस्ट इसी में ही है. तो टोटल देखा जाए यहाँ पे ओवरऑल तो यहाँ पे 417 पोस्ट हैं. तो जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज होती हैं. तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी एग्जाम सेंटर फिलअप कर सकते हो. तो फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन क्या है एलिजिबिलिटी के लिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं. सो IMA, INA और एयरफोर्स अकेडमी, और देन यहाँ पे जो ओपन यहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी होती है उसके लिए यहाँ पे अलग अलग एज है. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 to 24 ईयर्स एज, और अगर देखा जाए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए यहाँ पे अभी 95 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे देखा जाए ऊपर इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, और अगर यहाँ पे देखा जाए इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड IMA, तो यहाँ पे जो देखा जाए 96 to 2001 जो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे बताया गया है जो एज यहाँ पे ये एज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताई गई है. तो आप देख सकते हैं इसमें 200 फीस लगेगी यहाँ पे. ऑफिसर ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे होगी, फर्स्ट यहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है. तो जो बंदे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे IMA के लिए एग्जाम देंगे, इंडियन एयरफोर्स के लिए एग्जाम देंगे, जो ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टली एग्जाम देंगे, उनमें डिफरेंस क्या है. जो बंदे IMA के लिए एग्जाम देंगे उनको यहाँ पे मैथ का भी पेपर देना होगा साथ के साथ, और थर्ड 3 पेपर देने होंगे, और अदर जो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए एग्जाम देंगे उनके यहाँ पे 2 ही पेपर, यहाँ पे 2 एग्जाम्स होंगे, और उसमें यहाँ पे 120 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों पे हर पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा यहाँ पे, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. तो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर हम इंडियन मिलिट्री अकेडमी, नेवल अकेडमी एंड द एयरफोर्स अकेडमी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे 100-100 मार्क्स के पेपर 3 होंगे यहाँ पे देखा जाए. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स भी होगा जो कि एलिमेंट्री स्टैंडर्ड तक होगा, और इसके अलावा जो ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए जो पर्सन यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे जिसमें 225 पोस्ट हैं, तो उसमें यहाँ पे 2 ही पेपर होंगे, 120-120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें. तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी उसी हिसाब से होगी. सो यहाँ पे कह सकते हैं कि कई पर्सन का कहना है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को ना देखते हुए, मतलब कितनी कट ऑफ जाती है यहाँ पे, तो 90 के अराउंड, 80 to 90 के बीच में कट ऑफ चली जाती है यहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए. सो आप अप्लाई कर सकते हैं. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने अप्लाई करने का लिंक भी इसमें दे रखा है, सिलेबस सारा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे. सो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सारा दे रखा है कि क्या क्या, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अप्लाई करने के लिए मैंने दे रखा है, और क्या क्या सिलेबस है, ये सारा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो यही मेन यहाँ पे नोटिफिकेशन थी, बाकी इसके बाद SSB के राउंड होंगे, वो पता ही होना चाहिए, आप इसमें पढ़ सकते हैं डिटेल में. सो टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम करते हुए, सो दिस वन इज़ द मेन नोटिफिकेशन. सो मैं यहाँ पे इतना ही डिस्कस करूँगा. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन चीज़ यही थी आपको शेयर करने के लिए. तो एग्ज़ाम डेट है जो स्टार्ट हो चुकी है आज से, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 26 नवंबर तक. सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही. सो फ्रेंड्स.
हैव ए गुड नाइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स हियर इन द स्टडी हब फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड शेयर द वीडियो विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो हैव ए गुड नाइट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।